दोस्तों आज हम लोग गिलाई सिनेमा में हैं। यहाँ पे अभी कबीर खान और जियाद नादियाद वाला ग्रैंडसन एंटरटेनमेंट की मूवी चंदू चैंपियन, जिसके मेन किरदार है कार्तिक आर्यन, एक बेहतरीन मूवी बनी है। और इसके अंदर आपको ये मूवी पूरी देखनी पड़ेगी, क्योंकि इसके अंदर एक खिलाड़ी का जीवन, आर्मी का जीवन और पैरा ओलंपिक्स, वो खिलाड़ी अगर किसी शरीर का भाग उनका काम नहीं कर रहा तो उसमें इनको दिखाया है कि कैसे वो अपनी जो अंदर से शक्ति है उसके बाद वो कैसे जीत हासिल करते हैं। इस मूवी के अंदर वो एक गांव की स्टोरी है मुरली खान पेटकर की। हम लोग एक बार ब्रेक लेंगे, पॉज करके। तो जैसे हम आपको कहानी बता रहे हैं, चंदू चैंपियन, कार्तिक आर्यन स्टारिंग, ये एक बेहतरीन मूवी है जो कि 1947 से स्टार्ट होती है और 64-65 की वॉर के ऊपर है, और जिसमें एक सोल्जर जो हैं घायल हो जाते हैं, वो कैसे टोक्यो ओलंपिक्स में जाते हैं, उसके बाद वो जर्मनी में आते हैं और वहाँ पे मेडल जीतते हैं। वो आपको मूवी देखनी पड़ेगी सरप्राइज के लिए कि क्या उन्होंने कौन सा मेडल जीता। उनको जो है आपको ये मूवी भी एक बेहतरीन मूवी है, उसमें पैरा ओलंपिक्स के ऊपर ये बनाई है। और कबीर खान जो है बेहतरीन डायरेक्टर है। कार्तिक आर्यन का भी अभी तक का एक बहुत बेहतरीन रोल है, क्योंकि आजकल हम लोग जो मूवीज देख रहे हैं, अभी रिसेंटली श्रीकांत रिलीज हुई जिसमें राजकुमार राव ने एक ब्लाइंड के ऊपर था, तो ये भी एक इंस्पिरेशनल फिल्म है। तो सब लोग सिनेमा आइए और देखिए। धन्यवाद। आप ये मूवी देख रहे हैं चंदू चैंपियन, कैसी लगी ये फिल्म? काफ़ी अच्छी लगी, और ये उत्साह इसमें है कि एक जो इंसान डाउन हो जाता है माइंड से, शक्ति नहीं होती, और इसे मूवी देखना काफ़ी कॉन्फिडेंस आएगा लोगों में, जो कि लोग ताने मारते हैं कि आप कुछ नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, वो नहीं सकते। ये मूवी देखने वाले आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ मैं कुछ कर सकता हूँ। इसमें सिनेमा में ये जो आपने देखी कबीर खान की ये मूवी है डायरेक्टेड, और कार्तिक आर्यन, इसमें कैसा लोड लगा उनका आपको? फिल्म बहुत अच्छा है, कार्तिक का रोल बहुत अच्छा, अभी तक की जितनी मूवी है सबसे बेस्ट रोल है। और विजय राज का जो रोल है जो अली सर के, उसमें कैसा लगा उनका रोल? वो भी बहुत बेहतरीन रोल था। उसके अलावा यशपाल हैं जो ईएमई सिकंदराबाद का निभाते हैं, उसका रोल भी ठीक है, 50-50% उनका। और ये मूवी को आप कितने स्टार देना चाहेंगे? 5 में से 4 देना चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और ये मूवी में सब आइए। चंदू चैंपियन कैसी लगी? मुझे बड़ी जबरदस्त पिक्चर लगी है, बहुत ही मोटिवेशनल पिक्चर है, और काफ़ी कुछ जानने को मिला। इससे पहले मुरली जी के बारे में इतनी जानकारी नहीं थी, जो पिक्चर से मुझे मिली है, और 2018 में उनको पद्मश्री अवार्ड भी मिला था, जो हमारे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी द्वारा दिया गया था। तो काफ़ी मोटिवेशन। इसमें जो बाकी कैरेक्टर्स हैं, विजय राज हैं, यशपाल हैं, उनका किरदार कैसे लगा आपको? सारे यशपाल शर्मा भी है, जो आर्मी के कैप्टन की भूमिका निभा रहे हैं, और विजेंद्र काला जी भी है, और विजय राज भी, काफ़ी सब ने बॉक्स ऑफिस पे हिट होगी। आप अपने फ्रेंड्स फैमिली को रिकमेंड करेंगे? जाए बिल्कुल देखने जाए, और छुट्टी का टाइम है, ऐसे मोटिवेशन पिक्चर जरूर देखें, अपने बच्चों को देखें, अपनी फैमिली। ये आपने बड़ा अच्छा चीज़ बताया कि छुट्टियों के टाइम है तो लोग थिएटर से आए और मूवी देखें, देखने जाए, अपने बच्चों को जरूर दिखाएं। एक मोटिवेशन पिक्चर है कि बंदा किस तरीके से आखिरी 3-4 बार अपना गेम भी चेंज करता है, और उसके लाइफ में काफ़ी ट्रेजिडी होती है, लेकिन फिर वो ओलंपिक जीत करा। इसको कितने स्टार्स देना चाहेंगे? 5 स्टार। ओके, बाय।